आज हम लोग एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मोदी केयर वेलनेस ट्रेंड्स का एक प्रोडक्ट है और सबसे एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है वेल नोनी जूस। ठीक है दोस्तों, तो नोनी जूस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसकी मतलब खासियत क्या है, नोनी को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं हमारे शरीर में, इसको किन किन केसेस में लेना चाहिए, किन किन केसेस में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, किस एज के इंसान को कितना देना चाहिए, तो फुल डिटेल्स जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है और दोस्तों आधा अधूरी जानकारी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मोदी कर नियर यू, मैं हूं अंशु, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नोनी जो चीज है ये एक फल है जो कि अफ्रीका में उगाया जाता था पहले, मतलब अभी भी उगाया जाता है, अभी वर्ल्ड के बहुत से जगह पर भी इसका मतलब खेती शुरू कर दिया गया है, इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसका जो आविष्कार हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। इसका बॉटनिकल नाम जो है दोस्तों मोरिंडा शेट्रोफिलिया का नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसको मतलब वैज्ञानिकों ने ढूंढ के कैसे निकाला, दोस्तों अफ्रीका में जो लोग रहते थे पुराने लोग, उनका मिनिमम जो उम्र होता था 100 साल होता था, 120 साल होता था, एक की मतलब बहुत ज्यादा जीते थे वो लोग, बहुत साल तक यंग रहते थे, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता था, उनको आसानी से कोई डिजीज नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पर्टिकुलर अफ्रीका के इस रीजन में लोग इतना ज्यादा हेल्दी कैसे हैं, ये इतना ज्यादा साल तक कैसे जीते हैं। तो वहां पर एक रिसर्च करने के बाद पता चला कि नोनी का जो फल है उसको वो मतलब जूस करके खाते हैं, उसको कच्चा खाते हैं, उसको मतलब सब्जी के हिसाब से रसोई करके खाते हैं, उसका अचार बनाते हैं, तो वैरायटी मतलब चीजें बना के, लेकिन नोनी को अपने डाइट में वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो पता चला कि नोनी इतना चमत्कारी फल है और आज भी ये वीडियो मतलब किसी लोगों के लिए नया होगा, नोनी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं एक गुप्त फल है। लेकिन दोस्तों अगर इसके बारे में मैं बोलता जाऊंगा तो वीडियो इतना लंबा पड़ जाएगा कि मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा सुनने के लिए, मेरे अंदर पेशेंस नहीं होगा बताने के लिए, फिर भी इसका मेन जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। दोस्तों नोनी एक ऐसा चमत्कारी फल है, मतलब ए टू जेड, जैसे ए फॉर अस्थमा, ठीक है, आप बी फॉर कोई भी और ले लीजिए, सी फॉर कोई और ले लीजिए, डी फॉर डायरिया ले लीजिए, ई फॉर आप एनीमिया मतलब ब्लड एनीमिया ले लीजिए, कोई भी चीज, मतलब हर एक डिजीज के लिए नोनी एक चमत्कारी मतलब संजीवनी की तरह है। नोनी को जो भी इंसान यूज करता है वो ज्यादा साल तक मतलब ज्यादा उसका यंग रहता है, ज्यादा साल तक वो ज्यादा जीता है, कैंसर के चांसेस उसको होने के बिल्कुल ही 0% हो जाते हैं। नोनी के अंदर इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है कि फ्री रेडिकल से वो फाइट करता है और आपको मतलब कैंसर आपके शरीर में जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उसको बढ़ने नहीं देता है, आपका शरीर को एकदम हेल्दी रखता है। दोस्तों किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए हेयर फॉल है, किसी का आँख का प्रॉब्लम है, दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं आप चश्मा क्यों पहनते हो, तो दोस्तों मैं बस इसीलिए पहनता हूँ कि मैं कंप्यूटर और मतलब लैपटॉप ये टैब वगैरह में ज़्यादा काम करता हूँ, बिलिंग करना पड़ता है, डीपी है मेरा, तो ये ARC फाइबर का ग्लास में पहना हुआ है, मुझे आँख का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों किसी का आँख का प्रॉब्लम है, किसी का जोड़ों में दर्द है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर डायबिटीज है, किसी को कोई भी चीज हो, किसी को मतलब स्किन इरिटेशन हो रहा है, किसी कोई भी प्रॉब्लम में आप नोनी यूज कर सकते हो। मैं तो ऐसा मानता हूं दोस्तों कि नोनी को आप डेली लाइफ में जगह दे दीजिए, ये एक वरदान, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये एक वरदान है आपके लिए, आप बस नोनी को इस्तेमाल कीजिए। आप नोनी खाएंगे आप सोच ये रहेंगे मुझको तो गैस्ट्रिक है मैं इसलिए नोनी खा रहा हूँ, अंदर ही अंदर नोनी 5 से 10 चीज और ठीक कर देगा आपके शरीर में, ये मेरा मानना है। नोनी जब से निकला है ना मोदी केयर में, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि मैं नोनी को कंज्यूम नहीं किया होगा। मैंने नोनी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अभी इसका मतलब मैं ऑफिशियली बताता हूँ जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। दोस्तों ए टू जेड ये काम करता है हमारे शरीर में, फिर दोस्तों विटामिन ए बी सी कैल्शियम पोटेशियम आयरन फॉस्फोरस इसमें भरे हुए हैं, जैसे
कैल्शियम है तो आपके बोन्स के लिए ये मतलब काम करेगा, बोन्स को हेल्दी रखेगा। इसमें पोटेशियम है तो आपके शरीर में जो वाटर इम्बेलेंस होने नहीं देगा। यहाँ पर आयरन है तो दोस्तों किसी को खून की कमी है तो उसको दे सकते हैं, उसके शरीर में खून का जो मात्रा है आरबीसी बढ़ाएगा, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चीजें। और एक चीज है दोस्तों नोनी में जो जिसको बोला जाता है कि 09। 09 एक ऐसा तत्व है दोस्तों कि जो कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वाइटल सिस्टम है जिसके लिए 09 का बहुत ही ज्यादा जरूरती चीज है। 09 एक ऐसा तत्व है, 09 जैसे ही आपके टंग को टच करता है, यानी कि अगर आप नोनी का बोतल खोलते हो, नोनी पीते हो, जैसे ही टंग को टच करता है आपका मूड स्विंग कर देगा। आप कितने भी मतलब डिप्रेस्ड रहो, स्ट्रेस्ड फील करो, आप नोनी को जस्ट मुंह में डाले, वो अंदर गया, उसके अंदर ही आपको फ्रेश फीलिंग लगेगा, आपको मतलब बिल्कुल ही एनर्जी आ जाएगा आपके शरीर में अलग सा। तो 09 का काम ही ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मतलब चमत्कारी चीज है, मैं बोला हूँ बताता जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर दोस्तों मेरे कुछ पर्सनल चीज में बता रहा हूँ, जिन लेडीज और मतलब जेंट्स में ये प्रॉब्लम है कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, मतलब उनको कोई औलाद नहीं हो पा रहा है, बहुत से ट्राई कर लिए हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि नोनी को अपने डाइट में दोनों मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जगह दें, और उसके साथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जिनसेंग लें, कोरियन रेड जिनसेंग। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चीज बता दे रहा हूँ। तो कोरियन रेड जिनसेंग और नोनी को साथ में लेने से मेरे टीम में ऐसे 2-3 पर्सन है जिनको कि बहुत अच्छा फायदा हुआ है, वो भी 4-5 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और वो लोग बहुत आज खुश हैं। फिर दोस्तों बताता हूँ, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, तो उनको नोनी दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पाइल्स को एकदम से ठीक कर देगा। ठीक है दोस्तों, पाइल्स को ठीक करने के लिए तो आप मेडिकेशन लेंगे ही, लेकिन पाइल्स में अक्सर ये होता है दोस्तों कि सुबह मतलब बहुत पेन से गुजरना पड़ता है पेशेंट को, खून वून निकलता है, तो वो सब चीज नहीं होगा। आप जब मोशन के लिए जाओगे ना, जब आपका स्टूल निकलेगा ना, तो आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, इतना मतलब स्मूथ बना देगा प्रोसेस को ये। और जिनको भी पाइल्स कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनको आप ये सजेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कोई दोस्तों जो चाहता है कि उसका ब्लड प्यूरिफाई करना चाहता है उसको दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि हर एक इंसान अगर नोनी को अपने डाइट में जगह दे, वो कुछ साल अपने जिंदगी के ज्यादा जी जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का बोलना है, मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप भी ज्यादा जीना चाहते हैं तो नोनी को अपने जो डाइट में जगह दे दीजिए। मैं इसको रोज यूज करता हूँ, दिन में 2 बार यूज करता हूँ। ठीक है, मेरा फेवरेट है, मतलब इसको आप कंज्यूम करते हैं ना, 1-2 घंटे तक आप बात भी करोगे तो नोनी का सुगंध मुंह से निकलता है, मतलब ऐसा लगता है कि सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये क्या, मतलब एक फूल जैसा एक चीज का सुगंध आ रहा है ये जब बात कर रहा है। बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि मतलब सर आप कुछ माउथ फ्रेशनर या स्प्रे वगैरह यूज करते हो, क्या चीज है? तो मैं उनको बताता हूँ, भैया ये नोनी का कमाल है। ठीक है, तो नोनी खाने से मतलब कौन कौन से आपके शरीर में क्या क्या ठीक हो जाएंगे ये तो मतलब भगवान ही जाने, बस नोनी को इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये मैं कोई यहाँ पर रट्टा मार के ऑफिशियल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ दिल से आप लोगों के साथ, वीडियो को देखते रहिएगा। फिर दोस्तों नोनी का एक चीज और भी है कि इसको डाइजेशन करने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और नोनी अगर आप खाते हैं या पीते हैं तो नोनी के साथ साथ आपको दिन भर में ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और वैसे भी मोदी केयर ने नोनी का डाइजेस्ट होने के लिए आसान बना दिया है, इसको डाइजेस्टिव इजी बना दिया है। कैसे दोस्तों? इसके अंदर मिला दिया है और एक चमत्कारी फल जिसका नाम है कोकुम। ठीक है दोस्तों, उसको बोला जाता है ग्रेजिनिया इंडिका, इसका बोटनिकल जो नाम है, बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कौन सी चीज पर काम करता है? ये एसिडिटी में काम करता है, इनडाइजेशन में काम करता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, यानी कि आप नोनी खा रहे हो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, लेकिन कोकुम मिला हुआ है तो डाइजेस्ट होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों ये डिहाइड्रेशन में मदद करता है। डिहाइड्रेशन अगर आपके शरीर में है, जैसे पानी की कमी है, तो भी ये मदद करेगा। तो देखिए नोनी के हिसाब से नोनी में कोकुम क्यों मिलाया है मोदी केयर ने, क्योंकि ये एक सपोर्ट दे रहा है आपको कि आप नोनी खा रहे हो तो कोकुम भी आपके शरीर में जाए। नोनी अगर आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर रहा है तो ये आपको हाइड्रेट कर देगा, आपका पानी का जो लेवल है शरीर में वो बढ़ाएगा। ठीक है,
फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स भरे पड़े इसके, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरे पड़े हैं फ्री रेडिकल से फाइटिंग करने के लिए। यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई भी जानलेवा बीमारी जब होता है तो ऐसा होता है कि आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होती है, फ्री रेडिकल्स आपके शरीर को अटैक कर लेते हैं और आपको कोई बीमारी होती है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कोकुम में इतना ज्यादा है कि आपके शरीर के अंदर जैसे ही ये जाता है तो सब फ्री रेडिकल्स को ये खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो उतार चढ़ाव होता है उसको ये मैनेज करने में मदद करता है। ठीक है, फिर दोस्तों ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अलग से कोकुम काम करता है। और दोस्तों मतलब मैं बोला हूं ना, देखिए 10 मिनट 30 सेकंड के आसपास वीडियो बन गया है, मैं बता ही रहा हूं खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ कुछ चीजें आपको अच्छा लगा होगा तो नोट डाउन करके रख लीजिए। और नोनी से हम वेट लूज भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। वेट लूज कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है, वो तो मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आपको आई बटन पे अभी मिल गया होगा उसका लिंक, वहां पर जाके देख लीजिए। और वेट गेन कैसे करना है वो जल्दी ही मैं एक मतलब अलग सा वीडियो बना रहा हूँ, बना के डालने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि नोनी चाहे किसी भी कंपनी में टैबलेट से मतलब टैबलेट के रूप में अवेलेबल हो, किसी के पास पाउडर के रूप में अवेलेबल हो, किसी के पास ऐसे ही जूस के फॉर्म में अवेलेबल हो, लेकिन आपको मोदी केयर जैसा प्राइस रेंज में दे रहा है वैसे प्राइस रेंज में आपको कहीं पे भी नोनी नहीं मिलने वाला है। आप आयुर्वेदिक स्टोर में जाओ, कोई कन्वेंशनल मार्केट सिस्टम वाला मतलब डे टू डे लाइफ में जो ब्रांड यूज करते हैं उसका उठा के ले जाओ, या फिर अलग सा कोई एमएलएफ कंपनी का ले जाओ नोनी, लेकिन इतने सस्ते दाम में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पहले तो दोस्तों इसका जो प्राइस था वो था 700 रुपए कुछ, 700 चिल्लर का था, उसको मोदी केयर ने अभी आधा के बराबर कर दिया दोस्तों। आपको 400 चिल्लर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, सोचिए 500 रुपए में भी अगर पकड़ते हैं तो 500 रुपए में एक लीटर नोनी आपको इंडिया भर में वर्ल्ड भर में शायद ही कहीं पे मिलने वाला है। मेरे नॉलेज में तो और कोई कंपनी नहीं है भैया जो आपको ये चीज दे सकता है इतने सस्ते दाम पर। तो ठीक है दोस्तों, तो ये एक संजीवनी है, ये एक अमरत्व का चीज है, हमारे शरीर को ये ए टू जेड काम करता है, 100% काम करता है। तो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, अपने साथ साथ अपने सारे फैमिली मेंबर्स को इसको दीजिए। फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों, एडल्ट का जो डोज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों 6 साल से बड़ा मतलब फॉर चिल्ड्रन अबव 6 ईयर्स आप हाफ डोज उनको दे सकते हो पानी में मिला के डाइल्यूट करके। ठीक है, तो 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी नोनी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने फैमिली में सबको नोनी दे दीजिए, ये एक वरदान है। सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बीवी अर्न कीजिए, पैसा कमाइए, मोदी कर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि नोनी किन किन केसेस में नहीं देना है। मैंने बोला था दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, अगर लास्ट तक देख रहे होंगे तो ये एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। और भैया जो लोग छोड़ के चले गए हैं अभी वीडियो को, मतलब बाद में नहीं बोलना, कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने बताया नहीं था। तो दोस्तों जो लोग प्रेग्नेंट है उनको आप नोनी नहीं देंगे, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है मतलब कुछ भी खा ले तो डायरिया हो जाता है उनको, उनको नहीं देंगे। जिनका किडनी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है यानी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि भैया तुमको किडनी का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी टेस्टेड और डिटेक्टेड है, उनको आप ये नोनी जूस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये 3 केसेस में आपको नोनी नहीं देना है। फिर से दोहरा देता हूँ, जो लोग प्रेग्नेंट है लेडीज उनको नहीं देना है, जो लोग डायरिया पेशेंट यानी कि जिनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है उनको नहीं देना है, और आपको ये जिनका किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है उनको नोनी आपको सजेस्ट नहीं करना है। बीवी के पीछे मत पड़िएगा, किसी की जिंदगी से मत खेलिएगा, ये मेरा एक सजेशन है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 14-15 मिनट का हो गया है, चलिए इस सेशन को अभी खत्म करते हैं। नोनी के बारे में बताता रहूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार। एंड दोस्तों आखिर में हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखते हैं कि मतलब ये मोदी कैरियंस का पावर कितना है, कितने ज्यादा सब्सक्राइबर आते हैं और व्यूज कितना बढ़ता है हमारे चैनल पर। इसका अपना ही चैनल समझिएगा दोस्तों, और हमारे साथ बने रहेगा, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक मोदी केयर का बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है मोदी केयर का
वेल गार्लिक प्योल के बारे में। गार्लिक प्योल नाम से ही पता चल रहा है, लहसुन से बना हुआ ये चीज है। तो दोस्तों इसका मतलब मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं, वो सारे चीजों के बारे में आज वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और बीच में से स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मोदी केयर नियर यू, मैं हूं अंशु, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो गार्लिक पियल है हमारा, वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल इसके गुण होते हैं। तो आपके शरीर में कहीं पे भी इन तीनों चीजों की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस और आपका वायरस के वजह से जो भी चीजें प्रॉब्लम होती है इंटरनली या एक्सटर्नली, मान लीजिए एक्सटर्नली एलर्जी होती है, इंटरनली भी मतलब एलर्जी सा होता है या फिर कहीं प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज इन तीनों चीजों से रिलेटेड अगर है तो उनको ये ठीक कर देगा। ठीक है, नंबर टू में बता रहा हूँ, इसमें आपके हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, एक है एलडीएल एक है एचडीएल। तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के लिए, एलडीएल का मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो LDL को ये बिल्कुल ही, उसका जो स्तर है उसको बिल्कुल कम करने में मदद करता है और ये सिग्निफिकेंटली कम करता है। आप इसको अगर रोजाना यूज कर रहे हैं खाली पेट सुबह, तो आपको मतलब डेढ़ दो महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 10% तक आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली आपको दिखेगा असर। ठीक है, नंबर थ्री बात करते हैं, ये एंटी कैंसर है, कहीं तरह के कैंसर में भी ये काम करता है। प्रिलिमिनरी स्टेज पर अगर इसको कैंसर के मरीज को दिया जाए तो उसको भी बहुत ही मतलब सपोर्ट करता है उसके सिस्टम को। और जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, शरीर के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके साथ ये फाइट करता है। ठीक है, और कैंसरियस सेल जो होते हैं उनको शरीर से तबाह कर देता है, यानी कि आपको कैंसर से दूर रखता है। नंबर फोर बात करते हैं, ये ब्लड शुगर में मददगार है। जैसे ही इसका कोई सेवन करता है रोजाना, तो उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे ये जो चीज है गार्लिक पेल ये बढ़ाता है उसके शरीर में। तो ब्लड शुगर वाले मरीज भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, और इसको खाने का एक ही तरीका है, सुबह आप खाली पेट इसको खाएंगे, एक साथ इसका जो दो कैप्सूल है मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये कैप्सूल अंदर से होते कैसे हैं। देखिए जो कैप्सूल है कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, मैंने हाथ में लिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये कैप्सूल। आपको दो ऐसे जो सॉफ्ट जेल का कैप्सूल है उसको लेना है और पानी पी लेना है खाली पेट, एटलीस्ट आधा घंटा से एक घंटा तक आपको आइडल छोड़ना है अपने पेट को, मतलब उसी के ऊपर चाय वाय नाश्ता पानी वगैरह कुछ पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं खांसी सर्दी फ्लू वगैरह में ये बहुत ज्यादा मददगार है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोगों का शरीर ठंडा होता है अंदर से, तो एक अंदरूनी ठंडक रहती है जिसकी वजह से उनको लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम होती है। सुबह उठे तो उनको छींक आ जाती है, सुबह उठे तो मतलब आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और हल्का सा कहीं पे मतलब एलर्जी टाइप जैसा डस्ट हो गया, कहीं पे थोड़ा मतलब बैड ऑडर आ गया, अगरबत्ती का स्ट्रांग स्मेल आ गया, तो वो लोगों का हालत खराब हो जाता है। कुछ लोगों का होता है ऐसा, मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों के केसेस में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा इनमें। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में भी मेरे छोटे भाई को ये प्रॉब्लम था, लेकिन जब से गार्लिक पेल का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सुबह उठते ही वो जो मतलब छींकता था, उसके आंख से पानी निकलता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी उसको, तो वो सारे चीज अभी नहीं हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली काम कर रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिए। फिर बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में ये मददगार होता है। दोस्तों कभी कभार क्या, ब्लड सर्कुलेशन तो हर किसी के शरीर में होता है, तो हर कोई गार्लिक पेल अगर खाता है तो आपके आर्टरीज के अंदर मतलब धमनियों के अंदर ये कोई भी मतलब पट्टिका नहीं बनने देगा, मतलब ब्लॉकेज वगैरह नहीं बनने देगा, और ब्लड सर्कुलेशन को कन्वीनियंटली एकदम से अच्छे से करवाएगा शरीर के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे शरीर में कि हमारा जो मतलब खून होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब उसका डेंसिटी जितना होना चाहिए डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर गार्लिक पेल का सेवन कोई कर रहा है ऐसे केसेस में, तो खून को पतला करने में भी गार्लिक पेल मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा अगर गार्लिक पेल का सेवन कर रहा है और उसका खून जितना पतला होना चाहिए उतना ही पतला है, तो उसको ये और ज्यादा पतला बना देगा, ऐसा भी नहीं है। जितना डेंसिटी होना चाहिए उतना ये मेंटेन करता है। ठीक है,
पतला है तो उसको मोटा करता है, और बहुत ज्यादा मोटा हो गया है तो उसको पतला भी करके ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर कि बहुत मतलब सूक्ष्म ब्लॉकेज आते हैं, उनको डॉक्टर के टेस्टिंग से भी हम पकड़ नहीं सकते हैं, और उस ब्लॉकेज के कारण उस जगह पर सेंसेशन कम हो जाता है। हो सकता है वो आपका गर्दन हो, सकता है वो आपका मतलब छाती का पार्ट हो सकता है आपके मतलब गर्दन के पीछे वाला पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो सकता है आपका पैर हो, निचला हिस्सा हो, कोई भी उंगलियां हो या कोई प्राइवेट पार्ट्स हो, कहीं पे भी ऐसा चीज होता है अक्सर लोगों के साथ। तो अगर गार्लिक तेल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो जितने भी छोटे छोटे आर्टरीज है, स्नायु है हमारे शरीर के अंदर जहां से ब्लड फ्लो होता है, वहां पर ये ब्लड को पंपिंग बढ़ा देता है, ठीक है, और वहां से ब्लॉकेज हटा देता है और बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है सेवन जो करता है उसको, ठीक है। ये हो गया, फिर मैं बताता हूँ आपको ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। जो हाई बीपी के मरीज होते हैं वो लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एसिलिन नाम का एक तत्व होता है। एसिलिन बेसिकली एक ऐसा चीज है जिस मतलब सल्फर जो होता है इसके अंदर ज्यादा होता है। तो एसिलिन क्या करता है, खून का जो ज्यादा तेज बहाव होता है शरीर में, प्रेशर ज्यादा होता है, उसको धीरे धीरे मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आप एलोपैथिक दवा खा रहे वैसा ये काम करेगा, मतलब आपको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी की दवाई ली है तो दो घंटे के अंदर आपको आराम मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रोजाना इसको इस्तेमाल करते हैं तो 4 से 6 महीना अगर रोजाना इस्तेमाल इसको कर रहे हैं तो आपको लाभ भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बीपी का प्रॉब्लम है उसमें 90% कम हो जाए या फिर वो ठीक भी हो जाए। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सारे चीजें क्या है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी फूड सप्लीमेंट है ये। तो इसका जो काम होता है वो होता है प्रिवेंशन, और क्योर में भी मदद करता है लेकिन धीरे धीरे करता है कोई भी चीज हो, ठीक है, ये एक पॉइंट है। फिर बताता हूँ गर्भावस्था में इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दोस्तों गर्भावस्था में इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ले सकते। और लेने से फायदा ये है कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उसका सही वजन मतलब उसके शरीर पर मांसपेशियां जिस जगह जितना बनना चाहिए उसका वजन जितना होना चाहिए एक हेल्दी चाइल्ड बनाता है ये माँ के पेट के अंदर, तो इसको आप खा सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था में आपको इसको खाने के बाद लेना है, ना कि खाने के पहले खाली पेट, ठीक है, खाली पेट नहीं लेंगे, खाने के बाद लेंगे। और दिन में चाहे तो आपको एक बार भी ले सकते हैं खाने के बाद। फिर बता रहा हूं आपको एलर्जी में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो चाहे कुछ इंटरनल एलर्जी हो जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड फ्लू एलर्जी है, ठीक है, या फिर इचिंग होता है स्किन पर, स्किन वगैरह में इचिंग होता है, आपका आंख से पानी निकलता है, आंख लाल हो जाता है, आंख में इचिंग होता है, बहुत टाइप के एलर्जी होते हैं। तो कोई भी टाइप का एलर्जी हो, एलर्जी के मेन कारण क्या होते हैं, 3 कारण होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरस होता है। तो ये ना बैक्टीरिया को ना फंगस को ना वायरस को आपके शरीर में कोई एलर्जी करने देता है, तो एलर्जी से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। फिर मैं बता दूं कि इसका फायदा क्या है, हम लहसुन तो खाते ही हैं घर में, लेकिन जब आप लहसुन को कुक करते हैं रसोई करके खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसका तत्व होते हैं, जो उसके अंदर का बेनिफिट्स होता है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब उसको कुक कर देते हैं आप उसके अंदर का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है। लेकिन इसमें कोल्ड प्रेस्ड यानी कि इस जो चीज इसमें है, जो गार्लिक का मतलब लहसुन का जो तेल इसमें है उसको गर्म नहीं किया गया है पैकिंग के टाइम, बिल्कुल ही नेचुरल 100% नेचुरल मिलेगा। और क्या होता है, हम गार्लिक को चबा के नहीं खा सकते क्योंकि वो तीखा होता है, अगर चबा के खा भी लिए तो हमारे सांस में मतलब जब बात करेंगे तो हल्का सा दुर्गंध भी होता है क्योंकि इसका जो गंध है वो बहुत से लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो चीज है, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल को आपने खा लिया, ये पेट के अंदर जाके फिर ब्रश करेगा और पेट के अंदर ही अपना काम कर लेगा और आपका जो मतलब मुंह का दुर्गंध भी इससे नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और इसका लेने का फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एम्प्टी स्टोमक में आपको लेना है, आप चाहे तो 1 कैप्सूल ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 कैप्सूल ले सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि इसको जब भी आप खाते हैं इसके ऊपर गर्म पानी आपको कभी नहीं पीना है,
बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको खा लीजिए और आपको ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए, ठीक है, सॉरी वार्म वाटर पी लीजिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वार्म वाटर पीने से फायदा है, लेकिन बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि ज्यादा गर्म पानी अगर इसको खाने के बाद पी लिया जाए तो वहां पे उनको मतलब एक प्रॉब्लम सा, मतलब सांस लेने में दिक्कत सा होता है, एक भारीपन महसूस होती है, ठीक है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, इसको खाने के बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी एक ग्लास तक पी सकते हैं और इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ फायदे और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये अंदर से कैसे दिखता है मैं बता दिया हूँ, और इसका जो MRP है ₹325 MRP है। और अगर आप मोदीकर कंसल्टेंट है या फिर बनना चाहते हैं या बन भी जाते हैं आगे, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा, यानी कि आपको और भी कम प्राइस में ये अवेल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मैं गार्लिक तेल के बारे में बताना चाह रहा था आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे लिए दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, जरूर जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कर दीजिए शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दयापूर्वक हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा नॉलेज मिलता रहेगा और हमको आपका साथ मिल जाएगा, जिससे कि हमें एक अच्छा सुकून मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मोदी केयर नियर यू में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार। Hopefully you